नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके कमेंट्स आए थे कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं सेकंड ग्रेड मैथ्स के, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं नोट्स शॉर्ट स्वीट होने चाहिए, वो स्वीट कैसे होंगे आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, और एक बेहतरीन तरीके के नोट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी पूरा सेकेंड ग्रेड का कोर्स, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, पूरा सेकेंड ग्रेड का कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, पूरा सेकेंड ग्रेड का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद आपकी टेस्ट सीरीज, नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और नोट्स एक बार आप देखोगे तो आप कहोगे वाह सर क्या नोट्स हैं, क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल बुकों से आपके लिए नोट्स क्रिएट किए हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं, टू द पॉइंट हम चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक बार देखो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर सब कुछ आपको चीजें मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट हमारी, दो प्लेलिस्ट है मैथ्स की क्लासेस की, दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अच्छे से अपनी क्लासेस को एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स के नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे सेकंड ग्रेड मैथ्स के नोट्स, देखो मैथ्स के नोट्स बनाने हैं। देखो बहुत सारे आप कहते हैं शॉर्ट स्वीट बनाएं, तो वो शॉर्ट स्वीट कैसे बनेंगे? मैं कहता हूं कि आप उन चीज़ों के चक्रों में शॉर्ट स्वीट के नहीं, लेकिन दोबारा आप पढ़ें, नोट्स ऐसे होने चाहिए दोबारा पढ़ें तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। कई बार ऐसा होता है हमने पढ़ लिया, पढ़ते टाइम हमको जो टीचर ने बताया है वो चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन बाद में जब हम उठाएंगे तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं, क्यों? ये क्या आ गया, कैसे आ गया? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं देखते ही आपको समझ में आने चाहिए। वो कैसे होगा वो देखो, सबसे पहला काम जब नोट्स बनाओ तो, यानी अब मेरे ही नोट्स हैं, मान लो मैंने पूरी मेहनत उसके अंदर की है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप खूब नोट्स बनाओ, वो नोट्स आप निकाल लो प्रिंट आउट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आपकी जो ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी की, क्वेश्चन तो उसमें से ही उठेंगे, एनसीईआरटी में से चाहे आप कोई भी गाइड ले आएँ, कोई भी बुक ले आएँ, उसकी मतलब जो बुक है उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि हूबू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हूबू एग्जाम के अंदर उठते हैं, तो क्वेश्चन तो उसी बुक में से उठेंगे। तो बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और बुकें ला सकते हैं, तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए। और जो मैंने नोट्स बनवा रहा हूँ उनमें देखो कि कौन सा बात ऐसी है जो सर ने नहीं लिखवाई, तो वो आप ऐड कर लो। हालांकि टाइम लगेगा आपको नोट्स के अंदर, लेकिन नोट्स आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे, दोबारा पढ़ोगे रिवीजन करोगे दो तीन बार तो ऐसे ही रिवीजन कर दोगे, सवाल निकालने की जरूरत नहीं, पढ़ते ही चीज़ें आपको याद होंगी। तो नोट्स ऐसी होनी चाहिए, और वो कैसा होगी, जैसे ही आपने कोई टॉपिक है वो लिखा, टॉपिक लिख लो जो भी डेफिनेशन है उसकी, तो उसके कम से कम प्रैक्टिस के लिए नोट्स के अंदर ही 4 से 5 एग्जाम्पल लिखो, 4 से 5 एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और लंबे समय तक आप चीज़ें, क्योंकि एग्जाम्पल जितने निकालोगे प्रैक्टिस जितनी करोगे लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, और चीज़ें याद रहेंगी तो वही तो हमें चाहिए, चीज़ें याद ही तो रखनी है। तो सबसे पहला काम आपको 4-5 एग्जाम्पल टॉपिक करने के बाद नोट्स में लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ हो जाए बड़े आपके नोट्स मैथ्स के अंदर हैं तो। देखो अभी मैंने आपको आधा ही सिलेबस करवाया होगा, और मेरी, क्योंकि मैं साथ साथ में आपके नोट्स भी क्रिएट करता हूँ, तो 3 नोटबुक मेरी भर चुकी है, बड़ी बड़ी नोटबुकें। आप कहोगे क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं, 5-5, 7-7 क्वेश्चन, कोई भी छोटा सिंगल टॉपिक है उसके 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के करवाए हैं मैंने, और वो प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो शॉर्ट स्वीट के चक्रों में नहीं, मैथ में कोई शॉर्ट स्वीट, जीके वगैरह है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ले लिए, लेकिन मैथ्स के अंदर शॉर्ट स्वीट नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही चीज़ें आप सफल होने के आपके चांसेस हैं। तो सबसे पहला काम ओरिजिनल जो बुक है एनसीईआरटी वाली, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उठेंगे, तो वो बुक आपके पास हमेशा आपके पास होनी चाहिए, और वो बुक आपके पास है तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो बुक और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और बार बार थोड़ा सा टाइम हो जाए तो बार बार उनको रिवाइज किया करो, ताकि आपको उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पर मिलेंगे, मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए तैयारी में हेल्पफुल हो, बहुत सारी मेहनत आपके लिए हम करने वाले हैं, पूरा कोर्स आपको करवा रहे हैं, तो ऐसे वीडियोस भी आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम, और भी आपको कब सेकंड ग्रेड आएगा, कब सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, इस यूट्यूब पर आपको मिलने वाला है, इस चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो थोड़ा सा जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, दिन के अंदर 3-3 वीडियोज़ आपके लिए मैं ला रहा हूँ सेकेंड ग्रेड की, तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसमें आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए हमारा, प्रत्येक जो स्टूडेंट देख रहा है 5-5 विद्यार्थियों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह की और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।